नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आई एस अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के टॉपिक पर हम लोग राज्य विधानमंडल को लिए हुए हैं। यहाँ से संबंधित अब तक सिविल सेवा के संदर्भ में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व में राज्य विधानमंडल पर पाठ्यक्रम आधारित एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक जानकारी को देने का प्रयास किया गया है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग केवल तथ्यात्मक क्वेश्चन जो विकल्पीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है। वह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है, ये वाक्य गलत है। जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा। यद्यपि हम और भी सभी विकल्पों को देख लेते हैं, वह राज्यपाल के द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, यह सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। वो मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है बल्कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है, और उस नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में आर्टिकल 164 के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगला है, उसका पद बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सी विकल्प भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा सवाल है जिसमें केवल एक ही विकल्प है जो कि सही उत्तर के रूप में हो सकता है, तो हम यहाँ पर विकल्प ए को सही उत्तर मानेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और परिषद, ये तीनों ही मिलकर के जहाँ पर इसका अस्तित्व होता है वहाँ पे विधायिका का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से विकल्प संख्या डी यानी कि केवल 4 इसमें सही होगा। अगला सवाल है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है। राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन इसमें विधान परिषद होता है, विधान पालिका परिषद या विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे अनुभवी लोगों का भी सदन कहा जाता है। और इसी तरीके से विधानसभा है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों से मिलकर के विधानसभा बनता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विधान परिषद किसी साधारण विधेयकों को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। इसका सही उत्तर है बी, 4 माह तक के लिए रोक सकती है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि विधानसभा अगर किसी भी साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजती है तो विधान परिषद के पास 3 माह का समय होता है, और 3 माह के अंदर उसे पारित करना होता है या संशोधन के सहित प्रथम सदन को वापस करना होता है। यदि वह 3 माह के अंदर उसे वापस नहीं भेजता है तो प्रथम सदन पुनः उस विधेयक को विधान परिषद को भेजता है, और दूसरी बार भेजने पर विधान परिषद के पास 1 माह का समय होता है। यदि 1 माह में वह विधान परिषद के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो वह विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था जिस रूप में, उसी रूप में दोनों सदनों से द्वारा पारित किया हुआ माना जाएगा और राज्यपाल के पास वह विचारार्थ भेजा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये अधिकतम 3 माह और प्लस जो है 1 माह यानी कि 4 माह के लिए उसे रोक सकता है। अगला सवाल है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में है कि वह केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस पर राज्यपाल की संस्तुति ना हो जाए। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की संस्तुति होती है उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल की संस्तुति इस पर होती है। अगला सवाल है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि जब हम केंद्र में संसद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर पहले जो है राज्यसभा होता है, पुनः बाद में लोकसभा होता है, लेकिन जब हम राज्य विधानमंडल का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर पहले विधानसभा होता है, यानी कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद का जो प्रावधान किया गया है। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना
या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? रद्द करने से संबंधित कौन सी? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से नहीं, राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद के द्वारा पारित विधि के द्वारा। ये विकल्प सही है क्योंकि इसमें राज्य जो है वो विधानसभा, राज्य की विधानसभा उसे विशेष बहुमत से पारित करेगा और जब वो प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा तो संसद अपने साधारण बहुमत से उसे पारित कर सकता है, अर्थात विकल्प संख्या सी वहाँ पर सही जो है उत्तर होगा। अगला है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान, ये आर्टिकल 169 में जो है किया गया है, जिसके बारे में प्रावधान अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी हो सकती है। गलत है क्योंकि वह विधानसभा के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है। अगला है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित, ये भी गलत है। तो इस तरीके से इसमें दोनों ही वाक्य गलत हैं और विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। और लोक सेवा आयोग के द्वारा इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और IAS 2012 में ये सवाल पूछा भी गया है। यहाँ पर प्रावधानों को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 170 में 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं और 171 के अनुसार विधान परिषद में अधिकतम एक तिहाई और न्यूनतम 40 हो सकते हैं। ये प्रावधान इसके लिए जो है किया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसमें स्पष्ट रूप से 1/6 सदस्यों को जो मनोनीत करने का जो प्रावधान किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? तो इस सवाल का उत्तर जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में प्रावधान किया गया था लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी न होने के कारण से वहाँ पर इसका प्रावधान नहीं किया जा सका है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं, अर्थात विकल्प संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए यह गलत है। दूसरा वाक्य स्थायी सदन सही है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, सही है। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जो 1/3 सदस्य, विधानसभा के द्वारा जो है 1/3 सदस्य, इसके प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, ये भी सही है। सभापति गलत है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष सही है। तो इसमें पूछा है कि सही क्या है, तो 2, 3, 6 और 8, तो 2, 3, 6 और 8 विकल्प संख्या सी इसका जो है सही उत्तर है। ये कॉन्सेप्ट भी बनाता है और ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसको जानने की जरूरत है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की जो है विधानसभाओं के निर्वाचन, तो राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में हमने देखा कि 170 में और 171 में विधान परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है, तो विकल्प संख्या ए इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन जो करता है, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो भारत निर्वाचन आयोग करता है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग भी दिया गया है लेकिन ये उसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और आयुक्त का गठन और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसके द्वारा स्थानीय निकायों के अंतर्गत पंचायत और नगरीय निकायों के चुनावों का संचालन किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के द्वारा किसी एक सदस्य की निर्भरता के संदर्भ में विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? यहाँ पर यह एक जो है ऐसा सवाल है जिसमें 2 तरीके के जो है सत्ताएं होती हैं जो निर्णय लेती हैं और 3 प्रकार के जो है कंडीशन होते हैं जिसके संदर्भ में डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो है निर्णय लिए जाते हैं। इसमें पहला जो है वो लाभ के पद के संदर्भ में है। लाभ के पद के संदर्भ में अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के जो है परामर्श से राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन वहीं पर दल बदल के संदर्भ में और इसी के साथ
सदन में उपस्थिति को लेकर के जो निर्णय लिए जाते हैं निर्हरता के बारे में, वो विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल विवादित सवाल बनता है और ऐसे ही सवालों को लेकर के आंसर की बार बार जारी करना होता है। फिर भी आप अपने स्तर पर जानिए, और पहला विकल्प राज्यपाल है तो आप राज्यपाल या इस तरीके से कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई विकल्प तो आपको लगाना ही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प सही होंगे। चूँकि कूट होता तो हम दोनों लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कूट का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये विवादित सवाल बनता है। अगला सवाल है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो है विहित की गई है, और विधान परिषद के लिए जो है वो 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगला सवाल है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। यही व्यवस्था केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी की गई है। अगला सवाल है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष उस पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ये इसका सही उत्तर है। क्योंकि जब विधानसभा का नया गठन, नए विधानसभा का गठन होगा, तो नए विधानसभा के गठन की पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर का राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल सभी सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर या सामयिक जो अध्यक्ष है उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और विधानसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसका सही उत्तर ए होगा। अगला सवाल है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण, जाहिर सी बात है राज्य में अगर है तो वो राज्य विधानमंडल के द्वारा, तुलनात्मक हम रूप से हम देखेंगे तो संसद में है तो वहाँ पर विधानसभा के, वहाँ पर संसद में केंद्र में जो है संसद के द्वारा जो किया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर तीन बातें जो है इसके जो लेक्चर को हम लोग ले रहे थे तो बताए थे कि विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये तीनों ही कार्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। यद्यपि सत्र के दौरान जब कभी हंगामा होता है या विरोध होता है तो उस दौरान कुछ समय के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, तो वो डिसीजन जो है वहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लिया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है इसका सही उत्तर राज्यपाल होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलेगी। वाक्य गलत है क्योंकि ये 500 सदस्यों की बात कही गई है। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति जो है राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरे जाने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो विधानसभा के लिए सही भी है। तो इसमें वाक्य संख्या 2 सही है, जो कि बी विकल्प के अनुसार चिन्हित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सामान्य कानून सिविल संहिता लागू है, यानी कि सामान्य सिविल संहिता जिसका कि वर्णन जो है आर्टिकल जो है 44 के अंतर्गत जो किया गया है। तो यहाँ पर जो है गोवा में इस तरीके की व्यवस्था है। गोवा में पहले पुर्तगाली बस्ती होती थी और पुर्तगीज जो है सिविल कोड को लागू किया गया, जिसे अब तक परिवर्तित नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो गोवा है। अगला सवाल है कि राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण, एक्चुअली केंद्र का और राज्य के दोनों ही जो है फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है वो एजी के द्वारा जो कंपाइल किया जाता है और उसे पुनः जो है CAG को भेजा जाता है, और CAG आर्टिकल 153 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यों से संबंधित अकाउंट को राज्यपाल को, और केंद्र से संबंधित अकाउंट को राष्ट्रपति के समक्ष के पास प्रस्तुत करते हैं, और जिसे वो जो है क्रमशः राज्य विधानमंडल और संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो यहाँ पर CAG इसका जो है नियंत्रण करता है। अब यहाँ पर उपरोक्त में से कोई विकल्प यहाँ पे नहीं दिखता है, इसलिए हम डी को लगाएंगे। यदि उपरोक्त में से कोई न होने के स्थान पर कोई अन्य विकल्प होता तो हम राज्यपाल को भी लगा सकते थे, लेकिन उपयुक्त में से कोई न विकल्प होने के कारण से हम इसका सही उत्तर डी को लगाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि, राज्य विधानमंडल, संसद केंद्र की संचित निधि का संचालन करता है। तो यहाँ पे भी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम डी को यहाँ पर उत्तर के रूप में लगाएंगे। क्योंकि राज्य की संचित निधि जो है से धन खर्च करने का जो प्रावधान है वो
तभी हो सकता है जब वो बजट को पारित कर दिया हो और विनियोग विधेयक को पारित कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, यहाँ पर नहीं पूछा है, बैठकों की अध्यक्षता करता सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का करता है, ये कुछ संदिग्ध है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही। यहाँ पर जो सी विकल्प लिखा हुआ है इसमें बताया गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों, समस्त कृत्यों नहीं बल्कि कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनमें राज्यपाल को विवेक के प्रयोग करने का अधिकार है। जैसे कोई भी विधेयक पास हो गया और उस विधेयक को केंद्र के लिए यानी कि राष्ट्रपति के विचारार्थ तो सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसका कि प्रावधान आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो किया गया है। तो इस तरीके से विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर हम लोग विचार करेंगे कि कौन सही जो है कूट का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री समस्त प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल को देता सही है, विधान विषयक मामलों में देता है सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में है सही तो है, लेकिन अगला है मुख्यमंत्री किसी विषय जिस पर मंत्री ने निश्चय कर लिया हो किंतु तो मंत्रिपरिषद ने नहीं लिया हो, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे परिषद के समक्ष रखेगा। यहाँ पर यह विकल्प जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक कृत्यों की बात कही गई है और राष्ट्रीय जो विकास परिषद है वो 6 अगस्त 1952 को केंद्र सरकार के कार्यपालिका के संकल्प के द्वारा जो है गठित किया गया है, जो कि एक संविधानित्तर यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस पर संवैधानिक दायित्व नहीं लगता है। अर्थात यहाँ पर विकल्प जो है 1, 2 और 4 यानी कि डी सही होगा। कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें कि 1, 2, 3, 4 है, ऐसी स्थिति में हम विकल्प डी को सही उत्तर के रूप में मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। ये तो आर्टिकल 167 में है जिसमें कहा गया है कि प्रशासन के संदर्भ में विधान के संदर्भ में किसी एक मंत्री ने लिया है निर्णय तो उसे सभी लोगों के समक्ष रखवाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर विकल्प डी जी उसका सही उत्तर होगा। भारत के राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है 1963 में सुचेता कृपलानी जो है जी बनी थी, और कृपलानी जी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश में जो बनी थी। तो यहाँ पर सवाल इस तरीके से बन सकता है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री, तो इसका भी उत्तर जो है सुचेता कृपलानी होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो अगर सर्वप्रथम किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री जो होगी वो भारत में किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री होगी जो है। तो इस तरीके से 1963 में बनाई गई थी और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इसका भी उत्तर ऑटोमेटिक पिछले से मिल गया, तो सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेता है। राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, राज्यसभा के सदस्यों में भी भाग लेता है। यहाँ पर एक ध्यान में रखना है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में भाग लेता है, यहाँ पर ये भाग नहीं लेता है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यानी कि विकल्प संख्या 20 का सही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के ही सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है तो राज्य का जो विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के द्वारा, इसी तरीके से केंद्र में जो है संसद के द्वारा, यद्यपि इसके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है लेकिन राज्य की आकस्मिकता निधि के निर्णय जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा लिया जाएगा। अगला सवाल है कि किसी राज्य के मुख्य सचिव को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर मुख्य सचिव या किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कि मुख्यमंत्री का सबसे नज़दीक का और जो है सलाहकार होता है। ये प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव की मीटिंग की भी अध्यक्षता करता है और पूरे प्रदेश में प्रशासन
की जो है सुचारू रूप से संचालन के लिए भी जो है ये जिम्मेदार होता है। इस तरीके से मुख्य सचिव को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और अगला है कि राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता है, क्योंकि इसमें शासन सत्ता के बदलने का भी प्रभाव होता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से, कौन सी कार्यपालिका किस व्यक्ति को सर्वोत्तम मानता है कि वो प्रदेश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित कर सकता है, जिसका कार्यकाल नियत नहीं होता है। यानी कि केवल एक जो है इसमें सही होगा, विकल्प संख्या ए इसमें जो सही होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग विधानमंडल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यात्मक सवालों को हल करने का प्रयास किया, जिससे कि जो है एक समझ विकसित हो गई कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से सवाल आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और इससे पूर्व में हम लोगों ने विधानमंडल पर पाठ्यक्रम आधारित वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो उस लेक्चर को देखने के बाद इन सवालों को पूरी तरीके से हल कीजिए। आने वाले समय में जो भी परीक्षाएँ होंगी वहाँ पर आपको इस टॉपिक से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वहाँ से संबंधित सवाल गलत नहीं होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम नए एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए